ये बात तो आप सभी को पता होगी कि भारत का ये जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, इसके 3 समुद्री परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और इंडियन नेवी में इस वॉरशिप का इंडक्शन इस साल यानी कि 2022 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका इंतजार आप सबको बेसब्री से होगा और इसका इतना बेसब्री से इंतजार करना बनता भी है क्योंकि ये इंतजार हम सभी पिछले 12 सालों से कर रहे हैं और आखिरकार इस साल अगस्त में जाकर हमारा ये इंतजार खत्म होगा। अब ये वॉरशिप इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जाएगी और इसकी कमीशनिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी तौर पर एयरक्राफ्ट डिजाइन करने की, उसे डेवलप करने की और मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी है। नंबर 2, LCA तेजस MK-1A। इसी साल जून के महीने में तेजस MK-1A की पहली उड़ान को कंडक्ट करने के लिए शेड्यूल किया जा रहा है और इस पहली उड़ान को टेस्ट करने के लिए HEL-3 तेजस MK-1A फाइटर्स को मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि इस टेस्टिंग में यूज किए जाएंगे। हालांकि जो तेजस का एयरफ्रेम है वो पहले भी कई बार टेस्ट हो चुका है और जो टेस्टिंग है वो 20 से 24 महीने तक चलने वाली है। इसके बाद HEL-LCA तेजस MK-1A फाइटर इंडियन एयरफोर्स को 16 एयरक्राफ्ट पर एयर के रेट से डिलीवर करना स्टार्ट करेगी।